टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं प्रियंका झा। हिमाचल प्रदेश में सीएम पद के लिए अटकलों का दौर आज खत्म हो सकता है। राज्य में आज बीजेपी विधायकों की बैठक होगी जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। इससे पहले राज्य में सीएम पद का चेहरा रहे प्रेम कुमार धूमल ने खुद को सीएम पद की दौड़ से बाहर बताया था। 5 बार के विधायक जयराम ठाकुर और केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सूबे में मुख्यमंत्री पद के लिए प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अभी बिरसा मुंडा कारागार में है। इस बीच ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या लालू यादव इस बार बेल के जरिए जेल से बाहर आ पाएंगे। कानूनी जानकारों की माने तो इस बार लालू के लिए जमानत पर जेल से बाहर आ पाना मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब लालू की गिनती बार बार जेल आने वाले दोषी के रूप में होगी और ऐसे मामलों में जमानत मिलना मुश्किल होता है। चारा घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में लालू प्रसाद यादव पहले भी दोषी करार दिए जा चुके हैं। फिलहाल लालू देवघर कोषागार के अवैध फंड निकासी के मामले में जेल में है। मुंबई में एक चलती टैक्सी के अंदर महिला से रेप का मामला सामने आया है। बीती 19 दिसंबर को काशीमीरा ठाणे जाते समय एक 32 साल की महिला के साथ रेप किया गया। काशीमीरा पुलिस ने मामले में कैब ड्राइवर और उसके एक साथी को अरेस्ट किया है। महिला की शिकायत के मुताबिक कैब ड्राइवर ने गलत रूट पर ले जाकर उसके पैसे लूटे, मोबाइल और पर्स छीना। इसके बाद एक सुनसान इलाके में कैब ले जाकर उसी में उसका रेप किया। कैब में ड्राइवर का दोस्त भी था जिसने ड्राइवर की मदद की। दूसरी तरफ कैब कंपनी ने इस घटना से खुद को दूर करते हुए कहा कि उसका इससे कोई संबंध नहीं है। कैब कंपनी ने पुलिस को बताया कि ड्राइवर बीते 3-4 दिनों से ड्यूटी पर ही नहीं था। भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर एमएसके प्रसाद ने साफ कर दिया है कि 2019 वर्ल्ड कप तक महेंद्र सिंह धोनी ही भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बने रह सकते हैं। प्रसाद ने कहा है कि जिन युवा विकेट कीपरों को भी मौका दिया गया है उनमें से कोई भी धोनी के करीब तक नहीं पहुंचता। प्रसाद ने ये भी कहा है कि कुछ विकेट कीपर्स को भारत ए के दौरे के दौरान ग्रूम किया जा रहा है, लेकिन मोटे तौर पर ये तय किया जा चुका है कि वर्ल्ड कप तक महेंद्र सिंह धोनी ही टीम के विकेट कीपर होंगे। जासूसी के कथित आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां 25 दिसंबर को पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने ये जानकारी दी है। विदेश विभाग ने बताया है कि जाधव की पत्नी और मां 25 दिसंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे और उसी दिन वापस भी लौट जाएंगे। भारतीय उप उच्चायुक्त उनके साथ आने वाले राजनयिक होंगे। पाकिस्तान ने 20 दिसंबर को जाधव की पत्नी और उनकी मां के लिए वीजा जारी किया था। जुड़वा 2 के बाद वरुण धवन और डेविड धवन एक बार फिर से सलमान खान की फिल्म का रीमेक पर्दे पर लाने के लिए तैयार हैं। इस बार उन्होंने 1999 में आई सलमान खान और करिश्मा कपूर की फिल्म बीवी नंबर 1 को चुना है। बीवी नंबर 1 फिल्म में सलमान खान के साथ करिश्मा कपूर और सुष्मिता सेन ने भी लीड रोल किया था। फिल्म में अनिल कपूर और तब्बू भी थे। एक बार फिल्म का स्क्रिप्ट फाइनल हो जाने के बाद इसकी कास्टिंग शुरू हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन।